नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि भैया बेस्ट हेल्थ टिप्स, अब की बार मैं आप सबको बता रहा हूं बेस्ट डाइट टिप्स कि भैया खाना कब खाना है, क्यों खाना है और उससे क्या फायदा है। तो मैं आप सबको बता रहा हूं, पुरानी कहावत है कि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। और ये बिल्कुल ठीक भी है। तो मैं आज आप सबको बताऊंगा, जिससे मेरे युवा दोस्तों से लेके सबको फायदा होगा, इनको आप फॉलो करो कि भैया कैसे क्या होता है। देखो, अब मैं आपको बताऊंगा, एक होलिस्टिक अप्रोच करूंगा कि खाना 3 भाग में होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन अलग से और रात का खाना अलग से। मगर क्या करते हैं कि ढेर सारे उसमें से रात का खाना स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि वो सबसे बड़ी गलती है। कुछ क्या करते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट ही हटा देते हैं, वो बड़ी चीजों करते हैं, गलत करते हैं। पहले मैं आप सबको बताऊंगा कि भैया जो शहर में रहते हैं, जो एथलीट हैं, उनके लिए नाश्ता क्या होना चाहिए। जो थोड़ा टाउन में रहते हैं या कहीं पे भी जहां पे फल अवेलेबल है, फिर मैं गांव वाले पे भी उस पर आऊंगा। तो भैया आप कोशिश करो कि अपने ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट लो, जो मौसम में चल रहा, चाहे वो पपाया है या वाटरमेलन है, मतलब पपीता है, तरबूज है, बाकी और हैं, या और ड्राई फ्रूट रात को भिगो के खाओ। अगर आप ड्राई फ्रूट, बादाम, ये कुछ कहते हैं ना कि ड्राई फ्रूट खा लो ऐसे रखे रहते हैं, तो मैं कहता हूं कि वो आपको डबल नुकसान करेंगे। वो आपके शरीर में हीट पैदा करेंगे, फोड़े फुंसी आएंगे, स्किन डिजीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ड्राई फ्रूट रात को भिगो, बादाम है या अपने अंजीर हैं, अखरोट हैं, ये भिगो, उसके साथ लो, जूस लो। और जो गांव में हैं, जो मेरे दोस्त, वो क्या कर सकते हैं जिनके पास फ्रूट अवेलेबल नहीं है, तो भैया क्या करना है आपको, सुबह सुबह कोशिश करो कि आप आपके खाने में जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें है ना, आप दही, सुबह आप दही ले सकते हो। दही का क्या कर सकते हो कि दही लेके, जैसे दही हो आधी पिल जाती है आधी रह जाती है, तो उसमें आप काला नमक डाल के या थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, सफ़ेद नमक नहीं, काला नमक या सेंधा नमक डाल के वो ले सकते हैं, वो पी सकते हैं। बाकी और नॉर्मली चीज़ जो घर में बनी है, या जैसे सर्दियों में तो आपने गन्ना वन्ना भी चूस सकते हैं आप सुबह, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। याद रखो कि जो भी, अगर मान लो आप मौसमी जूस पी रहे हैं, तो मौसमी जूस पी के आप, या कोई जूस पी रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, तो उसके बाद दूध नहीं पीना है। उसके बाद कोई ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे आपको नुकसान हो। जैसे आपने वाटरमेलन जूस पिया, उसके बाद मौसमी मत पियो, मौसमी पहले पियो, खट्टा पहले पीना, मीठा बाद में खाना है। तो आपको ब्रेकफास्ट करना है, मगर ये रूटीन तब है, खाने का फायदा तब है जब आप एक्सरसाइज करोगे। इससे आपका वेट गेन भी होगा, आपका वेट कम भी होगा और आपका वेट बढ़ भी जाएगा। तो सुबह क्या करना है, ब्रेकफास्ट में होश के आपको जहां पे फ्रूट अवेलेबल है वहां पे ढेर सारे मौसमी फ्रूट खाने हैं, जैसे एक एक दो दो फ्रूट आपने सारा खा लिया, ड्राई फ्रूट खाने। जहां पे ड्राई फ्रूट अवेलेबल नहीं है, आप गांव में हो नॉर्मली हो, तो आप सुबह दही ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, गन्ना चूस सकते हैं अगर सीजन है तो, जैसे अभी सर्दी स्टार्ट हो गई है, या चने का सीजन है तो भैया चने भिगो लो, वो खा लिया करो आप सुबह गांव में, ये सबसे बेस्ट है। या एक जैसे नॉर्मली बनाते हैं ना गांव में, जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं कि भैया दलिया है तो दलिया खा लो, दलिया अच्छा रहता है, दलिया है, ओट्स है। और मैं कह रहा हूँ कि जौ का दलिया अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, तो जितने मेरे दोस्त हैं, अगर कोई मेल है तो आपको सारे पेट के धातु के रोग दूर हो जाएंगे, जो फीमेल हैं जो, तो उनको जो भी मतलब पेट संबंधी रोग हैं या जो भी मतलब मूत्र संबंधी, मल संबंधी रोग हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे जो का अगर आप दलिया खाते हैं तो रेगुलरली। फिर मैं कहता हूं कि फिर आ गए हम उस पे, लंच पे। तो लंच में क्या खाना है, ये मैं वो बता रहा हूं कि एथलीट से लेके नॉर्मल इंसान से लेके एथलीट से लेके सब फॉलो कर सकता है। और कोशिश करो कि शाकाहारी रहने की, वेजिटेरियन रहने की। देखो, मैं शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन हूं, मैं वर्कआउट करता हूं, मैं बहुत फिट हूं, सारी सब कुछ चीज है, बॉडी एज भी कम है। तो आपको क्या करना है, लंच में आपका जो आइडली होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, लस्सी छाछ ले सकते हो, दही है तो दही ले सकते हो, सलाद है तो सलाद ले सकते हो। जो गांव में है वो रोटी लो, मट्ठा लो जो सफेद मिलता है आपको, चटनी है आपके पास, सब्जी है आपके पास, कुछ भी है वो ले लो। और आपने लस्सी वगैरह ये सब ले लिया, और थोड़ा गुड़ ले लो, इन दिनों में गुड़ बड़ा अच्छा रहता है, गुड़ आपको खाना खा के खाना है। और बहुत से क्या करते हैं कि खाने में जैसे ढेर सारे फ्रूट आ गए, ढेर सारा मीठा आ गया, ढेर सारी चीजें आ गई, तो उसमें क्या होता है कि पहले
शुरुआत करनी होती है थोड़ा मीठा खाने से, ताकि थोड़ा स्लाइवा बन जाए हमारे मुंह में, राल वगैरह ये सब बन जाए, बाकी बाद में खाना खाएं। मगर गांव में तो डिफरेंट है, मीठा पीछे खा लेते हैं, शहर में पीछे खा लेते हैं तो पीछे खा सकते हैं, मगर मीठा आपको केक, चॉकलेट, पेस्ट्री या रसगुल्ला, ये सब बाहर की चीज़ नहीं खानी है। आपको मीठा खाना है, जैगरी यानी गुड़, शक्कर खानी है या खांड खानी है, वो खा सकते हैं। और खाना ना इसमें कोशिश करो कि देसी घी, गाय का तो सबसे बेस्ट है या भैंस का घी है, 1-2 स्पून सब्जी में डाल के खाना है आपको, उसमें रोटी पे रख के नहीं खाना, क्योंकि रोटी पे अगर आप रखोगे, 2 रोटी रख दो, एक पानी की बाल्टी में एक 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 रोटी घी से लथपथ चुपड़ी हुई और दूसरी रोटी जो सूखी, तो घी वाली रोटी ना शाम तक पिघलेगी नहीं, उसको तोड़ना पड़ेगा। और जो नॉर्मली है ना बगैर वो नॉर्मल रोटी है, वो 1-2 घंटे में से टुकड़े हो जाएंगे, यानी वो हजम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सब खाना है, उसके बाद आपको 2-3 घंटे तक ये खाना खाने के बाद कुछ नहीं खाना है। अगर आपको ताकतवर बनना है तो स्ट्रोंग बनना है तो खाना ना चबा चबा के खाना है, कम से कम 30 बार, 40 बार, 50 बार चबा चबा के खाना है। हाँ याद रखो, पानी खाना खा के कम से कम 1 घंटा बाद पीना है, पानी नहीं पीना पहले। फिर हम आगे 2-3 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद आप दूध ले सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप दूध पी सकते हैं। आप दूध, दूध का क्या है, कलर चेंज कर लो, कोशिश करो। इन दिनों में तो आपने हल्दी डाल लिया, या आपने अश्वगंधा पाउडर डाल लिया, या बाकी चीजें कर ली, या दूध के साथ आप 1-2 केला खा सकते हैं जिसको वेट बढ़ाना है। जिसको वेट बढ़ाना हो क्या कर सकते हैं, थोड़ा दूध को गर्म करके ठंडा कर लिया, फिर आपने दूध में 2 केले डाले, थोड़े ड्राई फ्रूट डाले और शहद डाला मीठे के लिए। मीठे के लिए चीनी नहीं, सफेद चीनी यूज नहीं करना आपको, सफेद चीनी, सफेद नमक, लाल मिर्च, तला हुआ खाना और माइक्रोवेव का गरम खाना मत खाना भैया, याद रखो। और बर्तन भी है ना, आपने एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, उसमें खाना मत खा करो, क्योंकि पहले जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे ढेर सारे थे, ये अंग्रेजों ने चलाया था, इसमें खाना खाने से जेल में नहीं मिलते हैं वो सफेद बर्तन एल्यूमिनियम के, उससे हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, और फिर हम धीरे 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 वो नॉर्मली हो जाता, तो जेल में होता है। खाना सबसे अच्छा रहता है कांसी की थाली में खाओ, या फिर पत्ते पे खाओ, या फिर मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसमें खाओ, अगर वो नहीं है तो कांसी सबसे बेस्ट है, या फिर स्टील यूज कर लो। और खाना आपको कैसे खाना है, कोशिश करो ये टेबल कुर्सी का तो जमाना आ जाए, अगर आप नीचे बैठ के चटाई पे अगर खा सकते हो ना, तो आधा खाना खाते खाते हजम हो जाएगा, और नहाने से पहले और खाने के बाद 1 नंबर जाओ। और खाना बगैर बातचीत के, देखो क्या करते हैं हम, पूरा दिन काम करते हैं और खाने के टाइम है ना हम फोन उठाएंगे, अखबार देखेंगे, सारी चीज करेंगे, टीवी देखेंगे या किसी से बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूं खाने के टाइम आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, उसको फुल चबा चबा के रस ले खाना खाना, क्योंकि वही खाना आपके पूरे दिन की, आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। फिर उसके बाद आपने दूध पिया, जिनको वेट बढ़ाना उनको ऐसे पिया, अश्वगंधा पाउडर आप डाल सकते हैं दूध में, अश्वगंधा पाउडर बहुत फायदे की चीज है, दूध में डालेंगे तो वेट बढ़ाएगा, गर्म पानी में डालेंगे नॉर्मल रखेगा और आपकी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत कर देगा। फिर आपने दूध पिया, फिर शाम को जो वर्कआउट करते हैं भैया, दूध के 1-2 घंटे बाद आपने कोई एक एप्पल ले लिया, या कुछ भी जो भी आप खा सकते हैं ले सकते हैं, नींबू पानी ले लिया, जो गांव में मेरे दोस्त हैं वो नींबू पानी ले सकते हैं, नींबू में थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाला, सेंधा नमक, और शक्कर डाली या खांड डाली, चीनी नहीं, सफेद चीनी नहीं, तो ले सकते हैं। फिर डिनर में आपको क्या करना है कि भैया, जैसे जो एथलीट हैं वो तो उससे पहले बादाम पियो, बादाम को रगड़ के जो पीते हैं जिस हिसाब से, वो कर लिया जो स्पोर्ट्समैन है, या किसी ने दूध पी लिया, किसी ने जूस पी लिया, मगर याद रखो फल फ्रूट जूस दाल, पहले फल फ्रूट जूस ये ना सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं खाना, जहर है। तो रात को पता क्या नहीं खाना आपको, नोट कर लो, ये को बताएगा नहीं, ये सब शहरी हैं, ये ढेर सारे, मैं कह रहा हूं कि वो वीडियो वो बना रहे हैं जिनको भैया हेल्थ की ABCD नहीं पता। अब मैं ढेर सारे नाम नहीं लूंगा, ये प्रोटीन है, ये दाल खाओ, ये विटामिन है, उसके चक्कर में घुसो ही मत अभी। रात को दाल दही चावल, दाल दही चावल, राजमा, लस्सी, फ्रूट, तो भैया ये है ना रात को भूल के मत खाओ। ये खाना अगर डिनर में आप खाते हो तो आप है ना बीमारी को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हो, बीमारियों को बुला रहे हो। तो राधा खाना क्या खाना, आपने मौसमी सब्जी लो या पनीर की सब्जी ले लो, 2-3 रोटी खाओ, और रात को रोटी जरूर खाओ, रोटी खा के सोने से उम्र लंबी होती है, याद रखना। बहुत से कहते हैं ना मैं स्किप कर रहा हूँ, अरे फिर ताकत ही नहीं रहेगी, शरीर में चमक ही नहीं रहेगी, तो भैया आप क्या खाओगे, क्या आप करोगे। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि खाना जरूरी है, मगर खाने के साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। खाली खाने से भी कुछ नहीं होगा, खाली एक्सरसाइज से भी कुछ नहीं होगा, एक कॉम्बिनेशन करो।
एक्सरसाइज से तो फिर भी कुछ हो जाएगा, खाली खाने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा खाना खाओगे ज़्यादा टॉयलेट जाओगे, और क्या करोगे उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और आपको आपकी दिनचर्या में भूल के भी ये चीज़ स्किप कर दो कि भैया स्मोकिंग ड्रिंकिंग, कोशिश करो कि ये चीज़ें हटा दो। और अपने बच्चों को भैया क्या चीज़ नहीं देनी है, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, तला हुआ खाना या बाहर का खाना, वो खाना नहीं है, वो आप एक स्लो पॉइजन दे रहे हैं जो हर रोज उनमें उनको नुकसान करेगा। तो आपको खाना क्या खाना है, घर का बना हुआ मौसमी खाना खाना है, और शाम को फिर दाल या सब्जी, दाल तो शाम खाना नहीं, सब्जी में थोड़ा सा घी डाल लो। देसी घी इतना कीमती है कि उससे मैं कह रहा हूं कि आपकी पूरी पूरे ज्वाइंट, पूरा शरीर, पूरी बॉडी आपकी रिचार्ज रहेगी, आप एक्टिव रहोगे। तो रात को फिर आपने खाना खाया, कुछ की आदत है कि रात को दूध पीना, कुछ बताते रात को दूध मत पियो, तो मैं कहता हूं खाना खा के 1 से 1.5 घंटे बाद आप 1-1.5 गिलास दूध पी सकते हैं। गरम थोड़ा सा दूध ले लो, वाम हल्का सा गरम करके, थोड़ा जैगरी के साथ, गुड़ के साथ ले लो, इसके साथ ले लो। खाना खाने के 2-2.5 घंटे तक सोना नहीं है। रात को खाना खा के कोशिश करो कि 500 से 1000 कदम टहलो, दिन में भी खाना खा के लेटो मत। तो खाना खा के अगर आप टहल नहीं सकते, आपके पास नहीं है, तो वज्रासन में बैठ जाओ, वज्रासन ये नॉर्मली करके। और जो वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते, तो कोशिश करो कि अपनी कमर सीधी रख के उस सुखासन या किसी में बैठ जाए, या थोड़ा टहल लें तो सबसे बेस्ट है, तो वो खाना थोड़ा सा हजम हो जाता है। और मैं कह रहा हूं कि दिन की शुरुआत और दिन का एंड मालिक के नाम से लो, वो मालिक वहां नहीं, वो मालिक यहां भी है, सब में है। तो क्या करना है कि ये जब सारी चीजें करोगे ना, ये धीरे धीरे करोगे, तो ये सब है। और मैं कह रहा हूं कि भैया लाइफ में ना कोई दिन खराब नहीं होता, कोई दिन बुरा नहीं होता, हर दिन अच्छा होता है। मैं कह रहा हूं जो मिनट चलेगी, जो मैंने आपसे बात की, सेकंड चलेगी, वो दोबारा नहीं आएगी, सोच लो। और अनुभव है ना, हम खरीद नहीं कर सकते, हम पैदा नहीं कर सकते, अनुभव से हमें गुजरना पड़ेगा होके। तो याद रखो, और एक बात और याद रखो, पैसे से अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है, दिल से अमीर होना सबसे बड़ी बात है। और इस दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बड़े इंसान वो हैं जिनके पास उनका परिवार है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं या बच्चे हैं, जो साथ में रहते हैं। अकेले तो अपने बहुत कुछ रहते हैं भैया, बहुत कुछ करते हैं। और अगर आप सक्षम हो तो सबके लिए चैरिटी करो, यानी दान दो। पहले दान क्या होता था कि स्वर्ग का मार्ग होता था, मगर आजकल इसको बिजनेस बना लिया ढेर सारों ने कि भैया हम ये लेंगे वो लेंगे, मगर इसके बावजूद भी आपको किसी का भला करना छोड़ना नहीं है, आपको भला करना है। एक अनुभव गलत ये नहीं कि हमारी जिंदगी गलत हो गई, एक अनुभव गलत यानी हम बाकी चीजें भी सही तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो याद रखना है, और मैं आपको छोटी छोटी बात बता रहा हूं कि भैया कि याद रखना कि कोई भी पेड़ है, कोई भी पेड़ है, उस पे ना अगर टहनी टूट जाए पेड़ गिरता नहीं है, पेड़ खड़ा रहता है, पत्ते नहीं आ जाएंगे, शाखा नहीं आ जाएंगी। तो आपको खाना क्या खाना है, हेल्दी खाना, जो स्पोर्ट्समैन से लेके नॉर्मली क्या है कि हेल्दी खाना खाना है, इस तरीके से खाना खाना है, और वैसे फॉलो करना है। और याद रखना, भूल के जैसे आप फ्रूट खा रहे हैं फिर आपने दूध पी लिया, या आप दूध पी रहे हैं उसके साथ भूल के भी भैया नमकीन मत खाओ, वरना स्किन डिजीज हो जाएंगे। और जैसे आप खरबूजा ये सब खा रहे हैं, अगर आपने गलती से कुछ दूध पी लिया, कुछ कर लिया, तो भैया मालिक के पास पहुंच जाओगे सीधा, मालिक कहाँ, यहाँ भी और वहां भी है। तो खाना खाने में थोड़ा सा सतर्क बरतना है, और खाना कुछ भी खाना बैठ के खाना है, पानी कुछ भी पीना बैठ के पीना है, आराम से पीना है, खाना कभी भागते हुए नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। फ्रूट खाने का सबसे आइडल समय है सुबह, छाछ का, लस्सी का, दही का सबसे आइडल समय खाने का, दोपहर चावल का भी, जो जो कुछ मेरे साउथ इंडियन दोस्त है वो चावल खाते हैं। और मैं कह रहा हूँ मौसमी फल, ये सब रोटी, ये सब रातों खाओ। खाना कोशिश करो कि अपना 7-8 बजे तक रात का डिनर कर लो। सुबह का ब्रेकफास्ट आप कोशिश करो कि भैया आपने 10 बजे से पहले आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, 10 बजे तक आपने लंच कर लिया अपना, 1 बजे तक, 1.5 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक, उसके बाद फायदा नहीं है। फिर आपने 8, 8:30 मैक्स टू मैक्स आपने डिनर खत्म कर लिया, आइडली तो 7 बजे तक खाना चाहिए, 7, 7:30 तक, मगर 8, 8:30 तक भी आपने डिनर फिनिश कर लिया तो फिर ठीक है, 9:30, 10 बजे आपने दूध पी लिया, तो 11 बजे से पहले आप सोने चले जाओ। हमारा लीवर 11 बजे से 2 बजे तक खून बनाता है, और वो एक्टिव रहता है, भले ही आपको नींद आए या ना आए, बिस्तर पे आप लेट जाओ, बैठ के आप पढ़ लो, कुछ कर लो, तो 2-3 दिन में आदत बन जाएगी। और फिर मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही मैंने बताया था कि इसको है ना, अपने माइंड को स्ट्रोंग रखो,
और ये सारी चीजें रखो। और मैं कह रहा हूँ भैया, पहले मैंने बोला था कि जो ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से काम करो, सेल्फलेस जियो। मैं कह रहा हूँ सेल्फलेस अगर हम जीते ना तो मालिक हमारी मदद खुद करेगा। जी के देखो बहुत अच्छा लगता है, कई चीजें मैं नहीं कर पाया वो आप कर सकते हो, आप नहीं कर पाए कोई दूसरा कर सकता है। तो ये सब टिप्स याद रखो, फिर मैं आपको धीरे धीरे हर हर उस पे आऊंगा, हर बॉडी पार्ट पे आऊंगा, हर बीमारी पे आऊंगा, वर्कआउट पे आऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। और मैं एक छोटी सी बात और से आपको सबको बता रहा हूं, अगर भैया आपका रास्ता सबसे अलग है ना, अगर आपका रास्ता सबसे अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खो गए हैं। अगर आपका रास्ता अलग है तो आप भी, आपकी सोच भी अलग है। और याद रखना कोई पूछते नहीं आप काम कर रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, तीसरी चीजें कर रहे हैं, तो आप नंबर 2 बनेंगे। नंबर 1 तब बनेंगे जब आप कोई नया काम करेंगे, नया रिस्क लेंगे। तो भैया मालिक सबको खुश रखे, इस अच्छे मैसेज को सबको शेयर करो। जो भी खाओ घर का बना हुआ खाना ज्यादा खाओ, वही प्रेफर करो। बाहर भी कहीं जाते हो तो अपना रूटीन ये फॉलो करो, वर्कआउट का रूटीन फॉलो करो, इसको हैबिट बना लो, इस खाने को भी हैबिट बना लो। और मॉर्निंग में कोशिश करोगे थोड़ा सा हल्दी पीसी हुई वो लो, उससे नेचुरल एंटीबायोटिक हो जाएगा। तो भैया खुश रहो, हंसते रहो और ये अच्छे मैसेज सबको भेजते रहो। नमस्ते, मालिक आप सबको खुश रखे। गॉड ब्लेस यू।